दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सेबी सहारा इंडिया को जो अभी स्थिति बनी हुई है, हम सहारा इंडिया पर और सेबी पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे कि अभी जो ये स्थिति बनी हुई है यह बड़ी ही विकट और विकराल स्थिति है। इसमें न तो सेबी और न ही सहारा इंडिया, दोनों में से कोई एक, न ही तो सहारा सीरी, कोई भी सहारा इंडिया के इन्वेस्टर के बारे में और एजेंटों के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं। ये लोग सब लोग अपना अपना पल्ला झाड़ कर निकलने के चक्कर में हैं, क्योंकि देखिए सेबी जो है कि जितनी भी कंपनियां का पैसा, जैसे सेबी को अधिकार प्राप्त है और उन्हें जब सरकार के गाइडलाइन मिलता है कि फलना कंपनी इस ढंग से गलत कर रहा है, इस पर उनको रोकने के लिए, तो वे जाते हैं उनका लाइसेंस रद्द कर देते हैं, उनकी सारी संपत्ति जब्त कर लेते हैं और पता नहीं उस संपत्ति का वो क्या करते हैं, वो तो वही जानेंगे। लेकिन इन्वेस्टर का पेमेंट शायद बहुत ही कम हो पाया है अभी तक। ले हज़ारों कंपनियां का इस ढंग से वे जब्त कर लिए, लेकिन पेमेंट बहुत कम कम मिला। जैसे एक PSEL कंपनी है जिसमें सेबी PSEL करके थोड़ा मोड़ा किसी किसी को पैसा मिला है, पूरे आदमी का अभी तक पैसा नहीं मिल पाया है। वो भी बहुत दिन से मामला चल रहा है, लंबित है। और इस ढंग से अभी सेबी भी सहारा इंडिया का जो सहारा इंडिया पर आरोप था 2008 में, एक हाउसिंग और रियल एस्टेट का पैसा जमा करवाए थे और जो कि सरकार के अनुसार से, गाइडलाइन के अनुसार से अनलीगल था, और अनलीगल था तो उन्हें गाइडलाइन मिला कि इन्वेस्टर का पैसा लौटा देना है। लौटाने के बजाय सबको कन्वर्जन पर कन्वर्जन कराते चले गए, और जिस अनुसार से भी उन्हें जो कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिला कि सेबी को उन्हें पैसा देना है 24,000 करोड़, तो उन्होंने वहाँ पे पैसा जमा किए और उन्हें वापस लेना है। और यहाँ पे ना तो सहारा इंडिया पब्लिक को पेमेंट कर पा रही है निवेशक को, और ना ही सेबी। सेबी जिस अनुसार से उस वो हाउसिंग और रियल इस्टेट में जमा था, उसका तो कुछ पेमेंट की, लेकिन उसका तो बॉन्ड ही अब नहीं है। सहारा इंडिया ने सारे कंपनी का जो है सारे रियल एस्टेट और हाउसिंग का अपने सारे कंपनियों में कन्वर्जन करा करा करके सारे कंपनी में इधर उधर पैसा को कर दिए, और जिस अनुसार से उसका तो कोई वजूद नहीं रहा रियल एस्टेट और हाउसिंग का, तो सेबी उस अनुसार से पैसा वापस नहीं कर पा रही है निवेशकों का। और बच गया क्योंकि वे सहारा इंडिया को भी पैसा नहीं दे पा रही है कानूनी अड़चन के कारण। तो हम सभी इन्वेस्टर और जो एजेंट है ये सभी अभी आंदोलन कर रहे हैं, तो आंदोलन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अगर आंदोलन नहीं होगा तो ये सेबी और सहारा इंडिया और सहारा सीरी ये सभी मुखदर्शक बनकर और किसी भी प्रकार से पैसा नहीं मिलने जा रहा है। जो अभी आंदोलन का रूप तैयार हुआ है, जिस अनुसार से आंदोलन का रूप तैयार हो रहा है, इसको बहुत विस्तार से करने की ज़रूरत है। दोस्तों जब आज़ादी, भारत जब गुलाम हुआ था तो आज़ादी की लड़ाई के लिए इसी ढंग से छिटपुट आंदोलन हुआ था, और उसके बाद में सभी भारत के लोग कंधे में कंधा मिला कर के और उस लड़ाई को मजबूती से लड़े थे, तो भारत आज़ाद हुआ था। ठीक उसी प्रकार से जो अभी नेट बैंकिंग की स्थिति है, जो भारत सरकार का एक छोटा सा लाइसेंस ले कर के और किसी भी सरकार से, राज्य सरकार से, और निवेशकों का पैसा बहुत आसानी ढंग से ठग लिया जाता है ज़्यादा ब्याज के प्रलोभन में, और फिर उन्हें नियामक द्वारा या कंपनी अपने बंद हो करके और चंपत हो चली जाती है, और इस ढंग से लाखों कंपनियां भरी पड़ी हुई है, लेकिन किसी भी इन्वेस्टर का पैसा नहीं मिलता। आखिर क्यों? इसके लिए या तो जागरूक होना ज़रूरी है, या तो सरकार इसके लिए नियामक बनाए, और अगर नियामक नहीं बना पाती है तो इस ढंग की कंपनी को चलने ही नहीं दे, बंद करके रखेगी कि कोई भी कंपनी किसी भी आम पब्लिक का पैसा लेकर के चंपत ना हो। और इसके लिए हम सभी को सेबी का जो अभी घेराव हो रहा है, तो केवल एक ही राज्य के सेबी का नहीं है, पूरे राज्य का, जितना भी भारत देश में राज्य है सब राज्य में एक एक सेबी का ब्रांचेज होते हैं, सभी ब्रांचों का घेराव होना ज़रूरी है। और अगर बारी बारी से हो तो ठीक है, नहीं तो अगर एक दिन में पूरे भारत के सभी ब्रांचों का सेबी का घेराव हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद है कि सहारा इंडिया के ऊपर भी दबाव बनाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि वे लोग भी नहीं सुन रहे हैं, तो सहारा इंडिया के कार्यालय पर भी धरना प्रदर्शन होना ज़रूरी है,
और वहाँ पर भी आंदोलन हो शांतिपूर्ण ढंग से कोरोना को बचाव को देखते हुए, और उसके बाद फिर वहाँ हो सके तो सहारा इंडिया के सभी ब्रांचेस सभी फ्रेंचाइजी में एक साथ एक दिन में अगर आंदोलन हो और वहाँ पे धरना प्रदर्शन हो तो अच्छा रहेगा, तब जा कर के दबाव बनेगा, तब सोचेगी। उसके बाद में सहारा सीढ़ी के आवास पर भी वहाँ पर भी धरना प्रदर्शन हो और वहाँ पर भी उनके आवास पर भी उनसे धरना प्रदर्शन करके शांतिपूर्ण ढंग से और उनसे भी पैसा की मांग की जाए। अगर नहीं की जाएगी तो ये लोग सुनने वाले नहीं हैं, इसलिए क्योंकि इन लोगों का अपना जो व्यवसाय है वे लोग केवल व्यवसाय पर देख रहे हैं, लेकिन निवेशकों की और एजेंटों की कोई बात नहीं सुन रहे हैं। कितने ऐसे पार्टी हैं जिनका पैसा जमा है, जिनकी लड़की की शादी रुकी हुई है, अपने जीवन की सारी कमाई सहारा इंडिया के कंपनी में ही जमा किए हुए हैं और उन्हें बच्ची की शादी करना है। कितने लोग का तबीयत खराब है, कितने लोग तो तबीयत खराब के इलाज के बाहर जिनको पैसा नहीं मिला दुनिया छोड़ गए, फिर भी उन्हें अभी तक पैसा नहीं मिला है। ऐसा बहुत सारे मामले लंबित हैं लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है, और इसके लिए जब तक एक जन आंदोलन पूरी तरह से पूरी एक संगठन के अनुसार संगठित होकर के अगर पब्लिक नहीं करेगी तो किसी भी व्यक्ति का सही ढंग से पैसा नहीं मिलने जा रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है आंदोलन करना।